ये कहानी है संविधान के आर्किटेक्ट, ये कहानी है भारतीय राजनीति के सफल नेता की, ये कहानी है प्रशिक्षित वकील की, ये कहानी है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ये कहानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति थे तब उनकी पुत्री एक बार उनसे मिलने राष्ट्रपति भवन आई। उनके साथ उनका पुत्र भी था। वो राष्ट्रपति भवन में कुछ देर तक रुकी और जब वापस जाने लगी तो राजेंद्र बाबू ने अपने नाती को 1 रुपया भेंट कर दिया। जब राजेंद्र बाबू की पत्नी ने नाती के हाथ में 1 रुपये देखा तो बोली, आपने तो कमाल कर दिया, इतने ऊंचे ओहदे पर हैं फिर भी नाती को उपहार में 1 रुपये दे रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद सहजता से बोले, क्या 1 रुपये कम है? तुम ही सोचो, जितना मेरा वेतन है और जितने इस देश में बच्चे हैं, यदि सभी को 1-1 रुपये दूं तो क्या मेरा वेतन पूरा पड़ सकता है? इस उत्तर को सुनकर श्रीमती राजेंद्र प्रसाद निरुत्तर हो गए। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1984 को एक हिंदू परिवार में बिहार के जरदाई में हुआ था। उनके पिता का नाम महादेव सहाय था, वे संस्कृत और फारसी भाषा के विद्वान थे। उनकी माँ का नाम कमलेश्वरी देवी था। राजेंद्र प्रसाद जी के एक बड़ा भाई और 3 बड़ी बहनें। राजेंद्र प्रसाद जी के बचपन में ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। उनकी बड़ी बहनों ने ही उनकी देखभाल की। जब राजेंद्र प्रसाद जी 5 वर्ष के थे तब उनके पिता उन्हें फारसी और अर्थमेटिक सीखने के लिए कुशल मुस्लिम विद्वान के पास ले गए। प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने के बाद उन्हें छपरा जिले के एक स्कूल भेजा गया। जून 1896 में 12 वर्ष की कम उम्र में उनका विवाह राजवंशी देवी से हुआ। उसके बाद वे अपने बड़े भाई महेंद्र प्रसाद के साथ 2 साल के लिए पटना के टीके घोष एकेडमी में पढ़ने चले गए। 18 साल की उम्र में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और उन्हें 30 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति मिलने लगी। सन 1902 में राजेंद्र प्रसाद जी ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला ले लिया। यहाँ से उन्होंने अपना स्नातक किया। सन 1907 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में उन्होंने इकोनॉमिक्स में MA की उपाधि प्राप्त की। राजेंद्र प्रसाद जी एक शिक्षक के रूप में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में अपनी सेवा दे चुके। इकोनॉमिक्स में MA पूरा करने के बाद वे मुजफ्फरपुर के लंगर सिंह कॉलेज में इंग्लिश के प्रोफेसर बने और बाद में वहाँ के प्रधानाचार्य। हालांकि उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई के लिए कॉलेज छोड़ दिया और रिपोन कॉलेज कलकत्ता में प्रवेश ले लिया। सन 1909 में लॉ की पढ़ाई के दौरान उन्होंने कलकत्ता सिटी कॉलेज में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के रूप में भी काम किया। सन 1915 में राजेंद्र प्रसाद जी ने मास्टर्स इन लॉ की परीक्षा पास की और गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया। सन 1937 में उन्होंने लॉ में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त करी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। सन 1916 में वे बिहार और ओडिशा के उच्च न्यायालय में शामिल हुए। 1917 में उन्होंने पटना विश्वविद्यालय के सीनेट और सिडनी कैंट के पहले सदस्य के रूप में नियुक्त किया। राजेंद्र प्रसाद जी भारतीय कांग्रेस में पहली बार 1906 में कोलकाता में आयोजित वार्षिक स्तर के दौरान शामिल हुए थे। 1916 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी जी से मुलाकात की। चंपारण मिशन के दौरान उन्हें महात्मा गांधी ने अपने स्वयंसेवकों के साथ आने के लिए कहा। महात्मा गांधी जी के समर्पण, साहस और दृढ़ विश्वास के कारण वे उनसे बहुत प्रभावित थे। 1920 में असहयोग आंदोलन आने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने आंदोलन की सहायता देने के लिए अपने वकील के आकर्षक करियर को भी छोड़ दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लेने के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। 15 जनवरी 1934 को जब बिहार में एक विनाशकारी भूकंप आया तब वे जेल में थे। जेल से रिहा होने के 2 दिन बाद ही राजेंद्र प्रसाद राहत के कार्य में लगे। राहत का कार्य जिस तरह से व्यवस्थित किया गया था उसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कौशल को साबित किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, जिस दौरान वे गिरफ्तार हुए और नजरबंद रखा गया। जुलाई 1946 को जब संविधान सभा को भारत के संविधान के गठन की जिम्मेदारी सौंपी गई तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संविधान निर्माण में
भीमराव अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद जी के ने मुख्य भूमिका निभाई थी। संविधान पर हस्ताक्षर करके राजेंद्र प्रसाद जी ने इसे मान्यता दी। 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत का संविधान लागू किया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग घोषित किया और दूसरों के लिए एक नई मिसाल कायम की। 1957 में फिर राष्ट्रपति चुना हुआ जिसने दोबारा राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति बनाया। पहली बार था जब एक इंसान दो बार राष्ट्रपति बना था। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान क्षमता बढ़ाने के इरादे से कई देशों का दौरा किया। 12 साल के कार्यकाल के बाद वर्ष 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सेवानिवृत्त हो गए और पटना चले गए, जहां बिहार विद्यापीठ में रहकर जनसेवा का जीवन व्यतीत कर देश की संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसाद जी को रेखांकित किया। उनके अध्यक्ष पद पर आसीन होने पर अपने भाषण में सर एस राधाकृष्णन ने कहा कि इस संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सादगी की मूर्त है, उसकी ताकत के प्रतीक यही भारत का दुनिया को धर्मोपदेश भी है। महाभारत में कहा गया है, सादगी सबसे बड़ी कठिनाई पर विजय पा सकती है और सादगी सबसे कोमल पर भी जीत हासिल करती है। इससे जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी है। एक बार कई राज्यों का दौरा करते हुए वह बिहार पहुंचे तो उनके पैरों में दर्द होने लगा। दर्द का कारण जानने पर पता चला कि उनके जूतों के तले बहुत दुख गए, इसी कारण कीले उभर कर पैरों में लगातार चुभ रहे थे, इसी से उनकी पैरों में दर्द होने लगा था। जूते की दुकान केंद्र से 10 मील दूर था। उनके सचिव केंद्र पर पहुंचकर एक जोड़ी जूते लेकर आए। जूते पहनते वक्त प्रसाद जी ने इसकी कीमत पूछा तो उत्तर मिला 20 रुपये। राजेंद्र जी विचार में पड़ गए और बोले, गत वर्ष तो मैंने ऐसे जूते 10 रुपये में खरीदा था। उनकी बात सुनकर सचिव बोले, वो वहां पर भी हैं लेकिन हल्के हैं और यह जूता उससे मुलायम भी है। राष्ट्रपति जी बहुत नाराज होकर बोले, जब 10 रुपये के जूते से काम चल सकता है तब 20 रुपये क्यों खर्च किया जाए, और फिर मेरे पैर तो कठोर जूतों के आदि हैं। सचिव राजेंद्र बाबू के स्वभाव से बिल्कुल परिचित था और फौरन जूतों को बदलने को जाने लगा। उनको जाता देख राजेंद्र जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? उसने बोला, आपके जूते बदलने। इतनी दूर तुम जाओगे कैसे? मोटर से, सचिव ने बोला। नहीं, आप दे दीजिए, आते जाते किसी और से बदलवा लूंगा, नहीं तो आप जितने का जूता नहीं है उससे ज्यादा का पेट्रोल खर्च करोगे। यह सुनकर सचिव दंग रह गए। 28 फरवरी 1963 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का निधन। वे उस वक्त 78 वर्ष के थे। उनके जीवन से जुड़ी कई ऐसी घटनाएं जो यह प्रमाणित करती हैं कि राजेंद्र प्रसाद बेहद दयालु और निर्मल स्वभाव के थे। भारतीय राजनीतिक इतिहास में उनकी छवि एक महान और विनम्र राष्ट्रपति थी। पटना में प्रसाद जी की याद में राजेंद्र स्मृति संग्रहालय का निर्माण किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें ईमेल करें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर। धन्यवाद।